हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे और आप वीडियोस को देखिए देन लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए फ्रेंड्स मैं ब्रजेश सिंह आपको आज इस वीडियो में एस एस के लिए जी का जो मैंने क्विज स्टार्ट किया है वो बता रहा हूँ तो इसके अंतर्गत मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को कवर करूंगा हर एक वीडियो में पंद्रह दिन है हमारे पास यानी कि चौदह ही दिन है हमारे पास तो उसमें मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगा और एक संडे जो आएगा उसमें मैं आपको दो वीडियो दे दूंगा तो उससे आपके पंद्रह वीडियो का सेट हो जाएगा तो उस जो ये पंद्रह वीडियो जो होंगे इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर किए चाहे वो एस एस सी में आने की उनकी संभावनाएँ हैं ठीक है तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा इस चैनल में जितने वीडियो पढ़े हैं आप उनको देखिए डिटेल को देखिए और ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं इनको देखिए और बुक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा मिनिमम जो लूसेंट है आपकी जीके के लिए उसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए साइंस पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर कि पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि जो वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में स्थापित किया गया था ठीक है तो इसकी आपको डेट बतानी है तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका जो एक एक्ट आया था एफ सी आई एफ सी आई का एक्ट आया था 1964 में तो देखिए जैसे ही एक्ट आएगा तो ज़रूरी थोड़े कि एक्ट आया और कल हो के वो स्टैब्लिश हो जाए कुछ प्रोसेस होती है उसमें कुछ कुछ बनाना पड़ता है हमको कमेटी गठन करनी पड़ती है तब जाके वो कहीं एक हमारा किसी चीज़ की स्थापना होती है तो एक्ट आया होगा और लगभग एक साल लगे होंगे उसके बाद स्थापना हुआ होगा तो इसलिए जो है इसको 1964 से 65 लिया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके पास 1965 है ये हो सकता है आंसर 66 नहीं होगा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1965। देखते हैं आंसर क्या है इसका आंसर एकदम ठीक 1965 में इसका गठन हुआ था अब गठन हुआ तो इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं जैसे इसका हेडक्वार्टर इसका हेड क्वार्टर कहा है इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली कहाँ है न्यू दिल्ली में और इसके अगर अभी चेयर पर्सन की बात करें चेयरमैन की हम बात करते हैं तो वो हैं आपके योगेंद्र कौन है योगेंद्र त्रिपाठी योगेंद त्रिपाठी जी जो हैं आपके अभी इसके करंट में चेयरमैन हैं और ये एक आई ए एस है ठीक है तो ये आई एस ऑफिसर हैं तो इनको बनाया गया है इसका अध्यक्ष या चेयरमैन चलिए तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है तो कावेरी जल विवाद जो है पहले कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है तो कावेरी नदी की बात करें तो ये जो है आपका कहां से निकली है ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत जो कि पश्चिमी घाट में आपका ठीक पश्चिमी घाट में है वहां से निकला है अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर है 800 किलोमीटर है लेंथ हो गई इसकी और यह जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी में ये जाके जैसे ये हमारा इंडिया का आ, कुछ इस टाइप का है बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है तो यहाँ पे आके ये जो है गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे ये नदी है तो इसके किनारे में बसे कुछ कुछ शहर रहते हैं जो इनके किनारों पे बसे रहते हैं तो उस शहर का पूछता है कि इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है तो वो है आपका तिरुचिरा तिरुचिरापल्ली ठीक ये इसके तट पे बसा हुआ है तो ये हमने कावेरी नदी के बारे में देखा अब इसका आंसर है कि कावेरी नदी जो जल विवाद है वो किन के बीच में है तो वो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इसका जल विवाद चल रहा है तो आंसर हो जाएगा ए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहां पे अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन यूएसए से लिया गया है यानी कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें कहीं कहीं से ली गई हैं तो इनमें से यूएसए से कौन सा लिया गया है कानून का नियम नहीं ये नहीं लिया गया है फंडामेंटल राइट्स यस ये लिया गया है कठोर संविधान ये नहीं लिया गया है और ये कहीं से वो ऐसा प्रावधान है नहीं इंडिया का जो संविधान है ना वो कठोर है ना ही लचीला है मीडियम है बीच का है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सॉरी नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी नहीं लिया गया इसका आंसर है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है इससे बहुत कुछ लिया गया एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट पे जो हम वो महाभियोग लगाते हैं उनके हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है ये भी आपके ली गई है कहाँ से यूएसए से प्रेसिडेंट के ऊपर यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ से ली गई है चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आंसर देख लीजिए इसका आंसर है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है यानी कि ये जो है आपके कुछ कुछ के एब्रिविएशन दिए हुए हैं फुल फॉर्म दिए हुए हैं और वो पूछ रहा है कौन सा सही है एस आई टी स्पेशल इंटेलिजेंस टीम नहीं ये गलत है इसका फुल फॉर्म नहीं होता है सी एन जी कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यस एकदम सही है एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एकदम सही है और के वाई सी तो आजकल सभी को पता होगा नो योर कस्टमर एकदम सही है ये तो आपके ये तीनों सही हो गए फुल फॉर्म तो बचा कौन सा एस आई टी तो ये होगा आपका रॉन्ग तो आंसर देखते आंसर है फर्स्ट लेकिन अब इसका आपको सही आंसर पता होना चाहिए तो इसमें स्पेशल एकदम सही है टीम भी सही है बस इंटेलिजेंस की जगह पे आपको ऐड करना है इन्वेस्टिगेशन 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 होगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये क्या करती है कि कोई चीज का कुछ स्पेशल है आप किसी ब्यूरो से आपका जो नहीं हो पा रहा है हैंडल तो एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी ऑफिसरों की और वो इस पे जो है आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक चीज और है कि इनका जो मेन एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं तो ये किसी भी कोर्ट में न्यायालय में जाएंगे तो हाई कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहीं पर जाकर ये जो है अपनी रिपोर्ट देंगे बाकी वो किसी और को रिपोर्ट नहीं देते हैं तो ये इसकी खासियत है तो इसका आ, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां है आपका नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है तो एड्स की पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एड्स क्या है तो देखिए एड्स एक बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एड्स का तो यह है आपका एक्वायर्ड ठीक है उसके बाद हो जाएगा इमोनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ठीक तो ये इसका फुल फॉर्म है इसमें आया ना इम्यून तो इम्यून सिस्टम पे ही ये वर्क मतलब असर करता है इसका जो वायरस होता है एच इसका भी यही होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी आ, आपका वायरस ये हो गया इसका तो ये ये जो वायरस है एक क्वेश्चन तो नहीं आता बाहर से ठीक है बनी सी बात उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है कैसे आएगा जब आप उसका टेस्ट कराओ जैसे एलिजा टेस्ट होता है एड्स के लिए तो यहां पर क्या होगा एड्स समझिए होता क्या है ये आपका इम्यून का मतलब होता है आपका इम्यूनिटी जो होता है इसका मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस पावर कितना आप किसी चीज को जैसे किसी को सर्दी खांसी हुई अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो नॉर्मली बिना दवाई के दो दिन में ठीक हो जाएगा वो लेकिन जिस को एड्स है उसको ठीक ही नहीं होगा सर्दी खांसी होगी दवाई लेने पे भी प्रॉब्लम जाएगी ठीक होने में तो यही प्रॉब्लम है वो आपका इम्यून सिस्टम इतना खराब कर देगा कि सारी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी और जब बीमारियां आपको हो जाएंगी तो क्या होगा यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा और एक समय के बाद आपका जीवन नष्ट हो जाएगा तो इस तरीके से वो और इसका जो है इलाज अभी उतना अच्छा नहीं है इलाज होता है लेकिन उतना अच्छा संभव नहीं है तो जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ पे है इंस्टीट्यूट तो वो है आपका में पुणे महाराष्ट्र एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इस पार्ट का क्वेश्चन है 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 कि कि आपको बताना है कि जो एड्स एड्स डे कब मनाया जाता है एड्स डे कब मनाया जाता है चलिए क्वेश्चन का कमेंट करके आप जरूर हमको आंसर बताइएगा चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो देखिए भोपाल नहीं है ये जबलपुर जो है पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है तो ये जबलपुर में हो जाएगा ग्वालियर भी नहीं होगा उदयपुर भी नहीं है क्योंकि उसने देखिए उत्तर पश्चिम पूछा है और उदयपुर तो आपका है वहाँ पे लेकिन उदयपुर उसका आंसर नहीं है होना चाहिए था राजस्थान में ही लेकिन उदयपुर नहीं है क्योंकि जयपुर जयपुर जो है इसका आंसर होगा तो आंसर है जयपुर जयपुर इज द राइट आंसर चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहां पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक फर्म जो मूल्य विभेद करती है यानी कि एक फर्म है जो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करती है तो वो कैसे करती है क्या होता है देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन किसी उत्पाद के विभिन्न गुणों के लिए विभिन्न मूल्य लेना एकदम सही है ये तो ये तो होता ही है ना इस टाइप का होना ही चाहिए क्यों क्या होगा कि इस पर तो बताया ही जाएगा क्योंकि कोई उत्पाद है अब एक किसी का गुण अच्छा है किसी का खराब है क्वालिटी अच्छी है तो वो महंगा बिकेगा खराब है तो वो सस्ता बिकेगा तो ये तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी फॉर्म को करने की जरूरत ही नहीं है कि कोई बोले कि नहीं भाई ये इसको इतने में बेचो इसको इतने में बेचो बनी सी बात है उसका तो स्टैंडर्ड एक बना हुआ है ठीक है तो ये नहीं होगा आंसर अगला देखते हैं सस्ते बाज़ार में खरीद कर महंगे बाजार में बिक्री करना तो ये भी कोई फॉर्म नहीं बोलेगा आपको क्या होगा कि आपने कहीं से होल सेल में उठाया और उसको जाके फुटकर में बेचा ये तो आप अपना जो सेलर है वो प्रॉफिट कमा रहा है ना इसमें कोई फॉर्म थोड़े बोल रहा उसको कि भाई आपने जितने में खरीदा और इससे महंगे में बेचो है ना कहीं कहीं तो एम से ज़्यादा में भी बेच देते हैं तो वो गलत बात है अगला देखते हैं किसी उत्पाद के लिए अलग अलग बाज़ारों में विभिन्न मूल्य लेना अब देखिए इसको समझा दो मान लीजिए आपने एक मैंगो खरीदा और वो यूपी में खरीदा यूपी में आपको मिला दस रुपये के जी आप उसको एमपी लेके आ गए एमपी में वो आपको वही कैटेगरी पंद्रह रुपये में मिला आप न्यू दिल्ली गए तो वही आपको ट्वेंटी में मिला तो ये वेरिएशन मिल रहा है ना आपको तो ये फॉर्म डिसाइड करेगी आपको कि भाई अगर एक ही चीज़ है एक मैंगो है वही क्वालिटी का वो आपको यूपी में दस मिल रहा है एमपी में पंद्रह मिल रहा है न्यू दिल्ली में ट्वेंटी मिल रहा है तो ये कैसे ये फॉर्म डिसाइड करेगा कि आपको यूपी में टेन है तो एमपी में ट्वेल्व लेना है कि पंद्रह लेना है न्यू दिल्ली में ट्वेंटी लेना है कि सिक्सटीन लेना है वो फॉर्म डिसाइड करेगी तो ये चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा अगला और देखते थे इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा आंसर थर्ड ही है कंपनियों से खरीदना तथा दूसरे पर थोक में बेचना तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा तो आंसर जो है आपका थर्ड वाला है, तो है या बसाया है अलाउद्दीन नहीं गलत मोहम्मद तुगलक इन्होंने भी नहीं बसाया फिरोज तुगलक इन्होंने भी फिरोज तुगलक का काम क्या था इसने क्या कराया था फिरोज शाह तुगलक ने कि कुतुब मीनार जो थी कुतुब मीनार उसमें क्षतिग्रस्त होने के बाद उसमें सुधार कार्य कराया था सुधार कार्य कराया था तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुटुब मीनार की जो है ऊपरी की जो शायद या थर्ड नंबर की जो आ, फ्लोर है उसको सुधार कार्य करवाया था इसका आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का बेटा बहलोल लोधी का सन है अब बहलोल लोधी कौन था जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी किसने करी थी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने अब सिकंदर लोधी की थोड़ी सी बात करते हैं तो ये चौदह से पंद्रह सत्रह तक जो है दिल्ली पे इसने शासन किया था कहाँ शासन किया था दिल्ली पे शासन किया था और इसी दौरान इसने आगरा बसाया होगा तो इसने आगरा बसाया था 1503 में 1503 में इसने आगरा को बसाया था तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी जिसने 1503 में तुम आगरा को बसाया था चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपका ये है अगर बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की ठीक नगद आरक्षित अनुपात की बात करते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो जो है अगर इसमें वृद्धि हो जाए बढ़ जाए जैसे मेनली फोर परसेंट रहता है और फोर से अगर फाइव परसेंट हो जाए तो बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑप्शन देखते हैं इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट क्या बैंक का क्रेडिट में वृद्धि हो जाएगा नहीं डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट बैंक के क्रेडिट में कमी हो जाएगी क्या अगला बैंक का जो है कुछ क्रेडिट में बदलाव नहीं होगा या बैंक क्रेडिट में अधिकता हो जाएगी यानी बड़ो ओवरफ्लो हो जाएगा तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो समझिए कैश रिजर्व क्या होता है कि अगर कोई बैंक है उसके पास 500 सौ करोड़ रुपए है तो उसको क्या करना पड़ेगा अगर आरबीआई ने सेट कर दिया कि आपका सी जो कैश रिजर्व रेशियो है वो हो गया फोर परसेंट तो कैश रिजर्व रेशियो जो है इतना आपको 500 करोड़ का 4 परसेंट कैश के रूप में हमेशा बैंक में रखना ही पड़ेगा आपको और ना आप वो लोन दे सकते हो पब्लिक को वो कुछ नहीं कर सकते तो देखिए अगर बैंक पब्लिक को लोन ही नहीं देगा तो बैंक को क्रेडिट कहां से होगा बैंक का क्रेडिट तो वही ना पब्लिक लोन ले जाती है उसको उससे ब्याज मिलता है और भी जो चीजें होती है शेयर मार्केट या जो भी मार्केट में उसका पैसा लगता है जहां से उसमें उसको बेनिफिट होता है और हमको भी ब्याज मिलता है और जो लोन लेते हैं वो को ब्याज देते हैं तो वही उसका प्रॉफिट है तो जब बैंक वालों के पास क्रेडिट ही मतलब कैसे ही नहीं रहेगा वो आपको लोन ही नहीं देंगे बैंक क्रेडिट में कमी हो जाएगी तो ये इसका सही आंसर है आंसर हो गया बी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार कब होता है अधिकार है कब है वो अधिकार क्या चुनाव के समय नहीं बिल्कुल नहीं युद्ध के दौरान यस हो सकता है जब इमरजेंसी लग जाए युद्ध के दौरान लेकिन सिर्फ ओनली युद्ध नहीं होगा आंदोलन अगर होता है उस समय नहीं उस समय भी नहीं कर सकती इमरजेंसी ओनली आपातकाल अगर लगता है 360, 352 इस टाइप से जो आपातकाल अगर लग रहा है आपका राष्ट्रपति शासन वगैरह तो उस समय जो है संसद के पास ये रहता है कि उसमें कुछ अपने नियम में बदलाव कर सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन सा मुगल राजा पद गाजी की खिताब के साथ सिंहासन पर बैठा था तो वो जो बैठा था वो राजा था आपका जहांगीर कौन है वो जहांगीर जहांगीर जो था पद शाही गाजी के उसपे बैठा था ठीक है जहांगीर

कि दर और मुद्रास्पीति की दर के बीच में रिलेशन इसमें रिलेशन है रिलेशन बताता है क्या यस दिस इज द राइट आंसर लेकिन अगला और देख लेते हैं कि रेड योग और फंडों की मांग की आपूर्ति करता है यह भी गलत है ये है थर्ड वाला जो बेरोजगारी है उसको और मुद्रास्पीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है आपका उसके बीच में रिलेशन बताता है देखिए वक्र कुछ इस टाइप का है समझ में तो ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला है क्योंकि जब आप इकोनॉमी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये ग्राफ वगैरह वहाँ पे समझ में आएगा कुछ आपको बस रफली याद रखना है कि कुछ इस टाइप का है और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ से भी ऐसे कुछ चारों तरफ से ये ग्राफ बढ़ता है तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे बेरोजगारी और इन्फ्लेशन में जो है समानता है रिलेशन उसमें कैसा है चलिए तो इसका आंसर हो गया थर्ड नंबर का बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि डुल हस्ती परियोजना और सलल परियोजना किस नदी पर है दुलहस्ती परियोजना और सलल परियोजना किस जो है कहाँ पर स्थित है किस नदी पर स्थित है चंबल नदी नहीं चंबल नदी पे नहीं है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे यस राइट आंसर दामोदर भी नहीं है गोदावरी भी नहीं है लेकिन गोदावरी का एक फैक्ट है कि इसको जो है आ, क्या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा ठीक दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है अब आपका एक और यहां पे तो आंसर है आपका चिनाव नदी चेनाब नदी इज द राइट आंसर लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दाबो, दामोदर नदी का फैक्ट मेनली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कहां का शोक कहा जाता है दा? जैसे बिहार का शोक कोसी वैसे दामोदर नदी को कहां का शोक कहा जाता है कहां का शोक कहा जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है आपका चिनाव नदी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना कब बना तो मतलब किस सृजन हुआ किस लोकसभा के अंतर्गत तो बात करते हैं तेलंगाना बना है 2014 में और अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है सोलहवीं लोकसभा चल रही है तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये बना था आपका फिफ्टींथ नंबर की लोकसभा में तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्टींथ लोकसभा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन भोर के तारे के रूप में जाना जाता है तो भोर के तारे के रूप में जो जाना जाता है अगर बात करें तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह ठीक शुक्र ग्रह जो है भोर के तारे के रूप में जाना जाता है और ये चमकीला ग्रह भी है आपका सबसे ठीक ये आपका चमकीला ग्रह भी हो जाएगा चलिए इसका आंसर हो गया शुक्र बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो वो हैं आपके ऋषभ देव कौन है वो हैं आपके ऋषभ देव तो ऋषभ देव की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गए हमारे जैन धर्म के पहले और एक पूछा जाता है ट्वेंटी फोर्थ नंबर के कौन है तो वो महावीर जी हैं कौन महावीर जी तो ये आपको याद रखना है तो यहाँ पे आंसर हो गया ऋषभ देव निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर के संत कहा जाता है दक्षिणेश्वर के संत ये क्वेश्चन अभी बहुत ही फेमस हुआ है इसको आपको याद करना पड़ेगा तो इसका आंसर सीधे मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर है राम कृष्ण परमहंस ठीक राम कृष्ण दक्षिण में परमेश्वर हैं। ये आपके कृष्ण सब मिलके आपके परमेश्वर बन जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परम हंस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहां हुई तो अगर इनकी बात करते हैं सभा की तो सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना जो की गई थी उन्नीस में की गई थी और किनके द्वारा की गई थी तो यह किया गया था शाहजहां के द्वारा शाहजहां सरस्वती के द्वारा 1936 में लखनऊ में लखनऊ में किया गया था तो देखिए लखनऊ कहाँ है ये है लखनऊ और 1936 भी है ठीक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लखनऊ 1936 में तो ये हो गया डी वाला राइट आंसर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है पश्चिम से कावेरी देखिए पश्चिमी घाट से होती है मैंने बताया था अभी कावेरी जल विवाद में गोदावरी जो है ये ये भी आपकी लगभग पश्चिमी घाट के आसपास से निकलती हैं ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं महानदी की तो ये जो है आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती और कृष्णा भी वहीं से निकलती है महानदी जो है आपका बीच से निकलती है ये उड़ीसा ओडिशा, ओडिशा छत्तीसगढ़ ठीक छत्तीसगढ़ हो गया वहां से निकलते हुए आपका यहां पे आती है यहां से ऐसे निकलती है तो अब महानदी का ये तो फैक्ट हो गया कि ये सही आंसर लेकिन महानदी पे एक डैम सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो डैम कि तो महानदी पे जो है कौन सा डैम है तो वो है आपका हीराकुंड हीराकुंड डैम ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ नया करेंगे सीजेल वाले लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हीराकुंड तो फेवरेट क्वेश्चन है उनका कि हीराकुंड डैम किस नदी पे है तो वो है महानदी पर ठीक है किस पे है महानदी पर आंसर है सी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कब अंग्रेजों ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया अठारह पैंतीस में कितना अठारह सौ पैंतीस में और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था आपका विलियम विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक लॉर्ड विलियम बेंटिक तो इसका आंसर हो जाएगा सी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दिष्टकारी परिवर्तक क्या, क्या करता है यानी कि रेक्टिफायर क्या करता है रेक्टिफायर्स क्या करते हैं डीसी को एसी सी करेंट में बदलता है क्या नहीं है गलत है एसी को डीसी में करता है क्या यस, राइट आंसर और ये देखिए हाई और लो वोल्टेज तो करता ही नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का काम है ठीक ये ट्रांसफार्मर का काम है तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए अब बचा एसी टू डीसी तो एसी टू डीसी ए सी टू डी सी इसको करता है तो याद रखिएगा देखिए ए सी कैसा चलता है ए सी करेंट का जो है आप ऐसा ऐसा चलता है ग्राफ और जो डी सी है वो एकदम ऐसा सीधा चलता है तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको इसलिए और ये करंट जो है घातक होता है इसलिए बोलते हैं बैटरी से करंट लगता है तो प्रॉब्लम जाएगी लेकिन ए सी करेंट में एक चांस रहता है कि जब भी ये यह यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपको छोड़ सकता है लेकिन जब लो वोल्टेज होता है मतलब थोड़ा नॉर्मल लेकिन अगर हाई वोल्टेज में आप फंसते हो तो वो आपको इतने देर में ही जला देगा ठीक चलिए बात करते हैं तो इसका आंसर हो गया बी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टाइलिन एक एंजाइम उत्पन्न होता है मतलब टाइलिन से एक एंजाइम उत्पन्न होता है तो वो जो है मतलब क्या है किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है तो अगर उसकी बात करें तो वो है आपका सलाई जो है आपका लार ग्रंथि जो है यानी कि टाइलिन आपके मुंह में आता है देखिए जैसे भी किसी खट्टी चीज़ मीठी चीज़ को देखते हैं तो मुंह में बोलते हैं पानी आ गया वो पानी नहीं टाइलिन आता है अब इस टाइलिन का क्या काम है लार ग्रंथी से यह टाइलिन निकलता है और ये क्या करता है ये करता है कि जो आपका खाना जा रहा है पहले तो उसको मिक्स करता है थोड़ा चिकना बनाता है ताकि इजिली नीचे जा सके और नीचे ये खाना पाचन में बहुत ही सहायक होता है तो इसका आंसर जाएगा ए लेकिन एक आप ऑप्शन डी भी देख पा रहे होंगे वो बोला जा रहा है अग्नाशय पैनक्रियास तो इसमें देखिए इसमें तीन कोशिकाएं होती हैं अल्फा बीटा और गैमा अल्फा बीटा गैमा होती है जिसमें से बीटा इंपॉर्टेंट है ये इंसुलिन इन, जो है इसका जो है आपका संचार करता है इंसुलिन तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो अभी अगर बात करते हैं एग्जाम हुआ है लेटेस्ट में एस एस सी सी पी ओ तो यू का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दिए नहीं था ऑप्शन में अल्फा बीटा गैमा सीधे कोशिका दी हुई थी तो जिसको थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा उसने सही आंसर किया होगा तो इसका आंसर था बीटा तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है चलिए अगला एक बार चुंबक के केंद्र मतलब एक बार ये बार वाला नहीं है नेक्स्ट वाला बार नहीं है ये है बार चुंबक ठीक है अगर इसकी बात करते हैं चुंबक है मान लीजिए इसका ये नॉर्थ है साउथ पोल है या साउथ है नॉर्थ पोल है ये हो जाएगा इसका सेंटर लेकिन आपको पता है कि एक पृथ्वी भी चुंबक की तरह काम करती है और पृथ्वी के केंद्र में जाओगे तो ग्रेविटी जीरो होगी यानी कि उसकी खींचने की क्षमता जो है जीरो हो गई ठीक तो ये भी तो चुंबक की तरह जब पृथ्वी काम कर रहा है चुंबक की तरह क्या कर रहा है पृथ्वी काम कर रहा है तो इसकी भी तो खींचने की क्षमता यहाँ पे कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा तो यहां पे जीरो होगा अगर पृथ्वी पे जीरो है तो यहां पे भी जीरो होगा ऑप्शन है क्या यस, थर्ड वाला है जीरो तो इसका आंसर होगा शून्य देखते हैं चलिए आंसर जी हाँ देखिए जीरो है इसका राइट आंसर चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हवा के द्वारा पड़ाकरण क्या कहलाता है पॉलिनेशन बाय वाइंड इज या विंड इज कॉल्ड तो ये देखिए ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में आया तो नहीं है लेकिन आने की संभावना है इसको आपको याद रखना इसका आंसर होता है ए ये कुछ जो है चीज़ें वन वर्ड सब्सिट्यूशन जैसी हैं वो आपको याद करना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली क्या बोला जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए निम्न में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है यानी कि यहां पे आप देखिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में ये पूछा जा रहा है अधातु क्या पूछा जा रहा है आपका अधातु ठीक तो अधातु जो है अधातु पूछा है ना कि धातु, धातु तो आप पारा लगा सकते थे पारा वैसे ऑप्शन में भी नहीं है क्योंकि अधातु है तो अधातु जो है इसमें से आपका ब्रोमीन है कौन है ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है आप इसको हैंड में भी लोगे तो ये लिक्विड की तरह रहेगा लेकिन ये एक अधातु है नॉट धातु यानी कि ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो कि आपका रूम टेम्परेचर पर अधातु होकर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है आप लोगों का ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इसकी सीरीज़ मैंने चालू की है तो वीडियोस को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इन पंद्रह दिन में आप एस का कोई रिविज़न कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाएंगे जी में क्योंकि आपने अगर एक बार जी में अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफ़िनेटली आप एस एस में अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाएंगे और यहाँ पर आप फेसबुक पेज की लिंक देख पा रहे होंगे wwwfacebookcom डब्ल्यू इसको भी लाइक like कर सकते हैं और यहाँ पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियोस की लिंक देख पा रहे होंगे उस पर आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू